भाजपा युवा मीडिया प्रभारी विकास शर्मा ने कहा कि हमीरपुर से ऊना रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और उसकी डीआरपी भी तैयार है। 6000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का जल्द ही शुभारंभ कर दिया जाएगा। यह बात स्वयं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गत दिनों दौलतपुर में दो ट्रेनों के शुभारंभ के मौके पर जनता के समक्ष रखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमीरपुर से ऊना रेल लाइन के संबंध में धर्मशाला रैली में ऐलान कर चुके हैं कि इसका कार्य भी जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मुकेरियां तक रेल पहुंचा दी जाएगी। विकास शर्मा ने कहा कि गत दिनों हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौलतपुर चौक से दो ट्रेनों का शुभारंभ दौलतपुर व माँ चिंतपूर्णी मार्ग के लिए रेलवे स्टेशन जनता को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने समर्पित किए हैं। ये जहां सांसद अनुराग ठाकुर की वचनबद्धता को दर्शाता है, वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार की वचनबद्धता व कार्यशैली को भी प्रमाणित करता है। भाजयुमो ने सांसद अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब दौलतपुर के लोगों का दशकों पुराना सपना सच हुआ है, इससे कांग्रेसियों की बोलती बंद हो गई है। विरोधी खास करके कांग्रेसी के लोग रेल क्षेत्र में अनुराग ठाकुर की सफलता देख बौखला चुके हैं। पिछले कल दौलतपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया, उसके लिए मैं हमीरपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को तहे दिल से बधाई देता हूं और साथ में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बहुत अच्छी पहल है। आज़ादी के बाद अगर हिमाचल में रेलवे का विस्तार हुआ है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते ही हुआ है। 1992 में अनुराग ठाकुर जी प्रेम कुमार धूमल जी सांसद थे, तो 1992 में हमें ऊना रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। अब जबकि अनुराग ठाकुर जी सांसद हैं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो दौलतपुर रेलवे स्टेशन का पिछले कल दौलतपुर से दिल्ली के लिए रेल चली है। अब यहाँ से यात्रियों को माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने काफ़ी सहायक होगा। और मैं आपको बता दूं कि कल ही केंद्र के राज्य रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी ने बताया कि हमीरपुर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं, डीपीआर सब तैयार हैं। 6000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आदरणीय मोदी जी ने भी हरी झंडी दे दी हुई है। अनुराग जी के ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो रेलवे का सपना लेते थे, उनको मैं ये ज्ञात कराना चाहता हूँ कि आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने अगर कोई बात कही है तो उसको पूरा करके दिखाया है और जल्द ही हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन भी जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा।